सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। और गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए पाल वर्ल्ड का एक और नया एपिसोड। और आज का जो पाल वर्ल्ड का एपिसोड है वो होने वाला है काफी खतरनाक, क्योंकि आज हम लोग जो फाइनल द एंड गेम वाला बॉस है भाई, उससे फाइट लेने वाले हैं। और देखते हैं गाइस कि आज के इस एपिसोड में हम लोग उससे फाइट जो है गाइस वो जीत पाते हैं कि नहीं। वैसे आज का एपिसोड शुरू करने से पहले जुड़े बंदे होंगे चैनल पे, वीडियो को लाइक जरूर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड अगर अभी तक आपने हमारी पैलवेल की प्लेलिस्ट नहीं देखी है सो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके वहां से आप लोग हमारी पैलवेल की प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो, जहां पे हमारे अभी तक जितने भी पैलवेल के एपिसोड अपलोड हुए वो लाइन से आपको देखने को मिल जाएंगे। सो चलो गाइस, आज का पैलवेल का जो एपिसोड है वो शुरू कर दे और बोलू तब आए मजाते। तो गाइस, मुझे खास कुछ अभी करना नहीं है, मुझे सबसे पहले तो बनानी है गाइस बुक, जिस बुक से वो बॉस स्पॉन होता है गाइस, उन बुक को मुझे बनाना है। और वो मैं दो बुक बना सकता हूँ, बाकी जितने भी बाकी की प्रिपरेशन थी वो हम लोग ने कर ली। हम लोग ने पिछले वाले एपिसोड में गाइस 5000 गोलियां खरीद ली थी, खाने पीने का सामान हम लोग ने ले लिया है। उसके बाद हमारी जेट्रोगोन जो है गाइस आर्मी, उसको हम लोग ने इवॉल्व भी कर दिया है सोल और दूसरे जेट्रोगोन्स को कंबाइन करके। तो हम लोग जो है ना गाइस बैटल के लिए भी एकदम फुल रेडी है। बस ये बुक जो है गाइस, ये बुक बनने दो, जैसे ही ये बुक बनेगी हम लोग सीधा चलेंगे गाइस यहाँ पे फाइट लेने के लिए भाई। अरे 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 भाई, ये क्या हो गया था भाई, ये क्या हो गया था मेरे को, अलग से ही जो है ना गाइस कुछ तो नशे में चला गया था मेरा कैरेक्टर। चलो कोई ना, तो बुक बन गई है, चलते सीधा भी बॉस की पुंगी बजाने के लिए हमारे थर्ड बेस पे, जो खास बॉस को मारने के लिए बनाया मैंने। शाम हो रही है क्या, अरे यार शाम हो रही है ना, तो गाइस रुक जाओ, अभी फाइट नहीं लेते हम लोग। शाम हो रही है सवेरा, शाम या सवेरा, ओके सवेरा है, सवेरा है, सवेरा शाम नहीं हो रही गाइस, अभी जस्ट भाई सवेरा हो भाई। ठीक है चलो, चलते फिर, अभी फाइट ले सकते हैं हम लोग वैसे। ठीक है, तो मेरे सबसे पहले तो जेट्रोगोन को जो है ना गाइस हम लोग सारे भाई यहाँ पे बाहर निकालते हैं। 20 जेट्रोगोन की आर्मी जो है गाइस वो हम लोग ने यहाँ पे बनाई है, आपको पता ही होगा। सो उन 20 जेट्रोगोन को मैं बाहर निकाल रहा हूँ यहाँ पे। ये रहे हमारे सारे के सारे 20 जेट्रोगोन्स। ठीक है, डन, फुल रेडी है गाइस फाइट करने के लिए। अभी यहाँ पे मैं बॉस को स्पॉन कर रहा हूँ, इस बार ये बॉस बच नहीं पाएगा गाइस। ठीक है, रेडी हो, चलो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना भाई लोग। ठीक है, हियर वी गो। आओ रे बॉस, शेमड़े आजा बॉस, आ दमे तो आना, अरे दिखा ना मालिक को, ले आप ही देखता हूँ कैसे बचता है भाई ये, आप भी आपने कुछ दिखाई नहीं दे रहा यार मेरे को, मेरे को कुछ दिख नहीं रहा भाई, अरे मेरे को कुछ दिख नहीं रहा, क्या चल रहा है, कौन मार रहा है, कब मार रहा है, क्यों मार रहा है, कहाँ मार रहा है, अरे कुछ तो दिखे। फाइट चल तो रही एकदम खतरनाक वाली। ओके ऑल राइट, इसको कोपचे में लेके अटैक एग्रेसिवली, अटैक एग्रेसिवली बॉयज, बॉयज अटैक एग्रेसिवली, मेजर इंजरीज। अबे मेजर इंजरीज, इतने जल्दी तुम लोग मर गए तो कैसा होगा, बॉस को मैं मार नहीं पाऊंगा। 9 मिनट में इसकी काफी ज्यादा हेल्थ डाउन कर दिया, बट अभी हमारे चमन जेट्रोगोन जो है हमला नहीं कर रहे, कूल डाउन इतना ज्यादा भी तो नहीं होता ना यार अटैक का। अभी कर रहे, अभी कर रहे, अभी कर रहे, अभी हमला कर रहे, अभी हमला कर रहे, अभी हमला कर रहे। ठीक है, नाइस नाइस, ये अटैक डालो, अटैक डालो, बैंड बजाओ इसकी, इसकी बैंड बजाओ इसकी। कहा बॉस है, कहा वो नहीं दिख रही है मेरे को, बाण तो बजा रहे भाई, भाई यार वो भी अटैक तो कर रही है। ये रही बॉस, ये रही बॉस, ये रही बॉस, ये रही बॉस भाई, 3 लाख हेल्थ बची है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, I'm trying my best। हाँ मेरे जेट्रोगोन्स कुछ मारे गए शायद से, मे बी, ओके कम ऑन। अच्छी बात है कि इस बार 2 मिनट के अंदर मेरे सारे जेट्रोगोन नहीं मरे, थोड़ी थोड़ी हेल्थ भाई सबकी बची हुई है, 3 लाख हेल्थ उसकी बची हुई है भाई उस बॉस की। ओके, इसको मैंने वो कर दिया है, काइंड ऑफ स्टन कर दिया है, कमांड एग्रेसिवली भाई, कमांड एग्रेसिवली, हाँ नाइस, हमला करो, हमला करो। 1.5 लाख हेल्थ डाउन कर दिए गए हम लोग ने उसकी, 1.5 लाख हेल्थ डाउन करते और सारे मिलके उसको मार रहे हैं। ओके, 1.5 लाख से ज्यादा हेल्थ डाउन करिए, आर्मी काम तो आ रही है, काम तो आ रही है आर्मी, बड़ा काम करते रहो तुम लोग, मस्त वाला मार रहे हो, मस्त वाला मार रहे हो उस बॉस को। बॉस भी शांति से बैठी हुई है, कुछ कर नहीं रही है, मेरे लिए अच्छी बात है वैसे,
हंगरी, मेजर इंजरी तो हंगरी भी हो साथ में, वो खाना नहीं खिला सकता मैं बाबा, खाना नहीं खिला सकता भाई। वो ग्लिच हो गई गाइस, मेरे जेट्रोकोन ने ना उसको जकड़ के रखा है तो ग्लिच हो गई और कोई भी अटैक नहीं कर पा रही। मेरे लिए तो भाई अच्छी बात है भाई, मेरे लिए तो अच्छी बात है भाई, मैं तो इसको भाई जिंदा ना छोड़ू। कमोन कमोन गाइस, हमला करो हमला करो हमला करो, बैंड बजाओ इस बॉस की। इन लोग ने जो ना कि जकड़ के रख दिया उसको एक जगह पे, वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रही है। 50% क्या उसकी हेल्थ हम लोग डाउन कर पाए अभी तक? ना, अभी भी उसकी 50% हेल्थ हम लोग ने डाउन नहीं करी है। अभी तो कुछ दिख भी नहीं रहा, सारे जेट्रोकॉन्स के सारे अटैक एक साथ ही भाई वो हो जाते हैं। ठीक है, वाटकी हुई हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है गाइस, मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि वो ग्लिच सेट की हुई है भाई। मेरे जेट्रोकॉन आते जेट्रोकॉन से मेरे हंगरी है भाई, बेचारे को भूख लगे बहुत ज्यादा खतरनाक वाली। थोड़ा भाई 6 मिनट तक संभाल लेना यार, मरना नहीं। 2 लाख हेल्थ, आधे से ज्यादा हेल्थ हम लोग ने डाउन कर लिया फाइनली उसकी। इनका अटैक कब कूलडाउन पे, कूलडाउन से हटेगा पता नहीं, हट गया शायद से। अभी ये लोग भी भाई हमला करेंगे। ओ बावड़ी हो गई है, बावड़ी हो गई। ओके, जो टाइम हम लोग को मिला था वो खत्म हो गया लग रहा है भाई। अभी हमला करेगी अपने, ये अभी अपने हमले करेंगे भाई। ओके, 1 लाख भाई, 84,000 हेल्थ। भाई मेरे इतने सारे जेट्रोकॉन के लिए भी इसको मारना ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। डैमेज देखो कितना कम कम पड़ रहा है उस बॉस के ऊपर। मेरे जेट्रोकॉन ने उसको जकड़ के रखा है, 5 मिनट का टाइम बचा हुआ है और उसकी लगभग 1.5 लाख हेल्थ बची है। ठीक है, मेरे सारे जेट्रोकॉन भाई एकदम फुल अटैक मोड पे जा चुके हैं, मैं भी फुल अटैक मोड पे हूँ। 1,55,000 कूल डाउन, सारे जेट्रोकॉन्स भाई कूल डाउन पे जा चुके हैं। मैं बिल्कुल भी उसको उस जगह से हिलाना नहीं चाहता हूँ। मेरे जेट्रोकॉन ने उसको जकड़ के रखा हुआ है इस कोने में, मैं खुश हूँ भाई इस चीज़ से, मैं खुश हूँ भाई। वो जकड़ के भाई कोने में बैठी रहे, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हरा दूँ एक बार यार उसको, मजा आ जाएगा। 5 मिनट बचे, 5 मिनट बचे हुए गाइस खाली, ओनली फाइव मिनट्स। ओके, और इसकी 1,30,000 हेल्थ जो है गाइस वो डाउन है। ये जेट्रोकॉन जो है ना गाइस, ऑन शॉर्ट ब्रेक अपसेट एंड वेंट टू बेड। अरे बेस की पेड़ पीड़ पे कहाँ जा रहे हो, फाइट करनी है अभी तुमको। अपसेट विपसेट किस चीज़ का अपसेट, चुपचाप फाइट ले लें। अपसेट हो रहे भाई, अपसेट हो रहे भाई, बताऊँ। ओके, मेरी पता नहीं कितनी गोलियां जो है गाइस वो यूज हो चुकी है, बट मैं एक ही जगह पे खड़ा होकर लगातार गोलियां मारे जा रहा हूँ। 99,000 हेल्थ, ठीक है, ऑल राइट। 91,000 हेल्थ गाइस इसकी बची हुई है अभी बस, 90,000 भाई। यार मार तो क्या लग रहा है इस बार गाइस, बॉस मरेगी वो भी एक अपने जेट्रोकॉन के ग्लिच के रीजन से, क्योंकि 5-6 जेट्रोकॉन ने उसको जकड़ के रखे उस कोने में तो वो हिल नहीं पा रही है, एंड उसके रीजन से ये सीन हो रहा है। मेजर इंजरीज, अरे यार भूख से मरने लग गए मेरे जेट्रोकॉन। अरे यार मार के मरना यार इसको, इसको मार के मरना, फिर तुमको जितना चाहिए उतना खाना खिलाऊंगा मैं। मार के मरना भाई इसको, मारो बैस के, मरने वाले 60,000 हेल्थ गाइस इस बार, इसको मार देंगे हम लोग। ना वो हट गई, वो अपनी जगह से हट गई। अभी प्रॉब्लम है हमारे लिए, अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू होने वाली है। वो अपनी जगह से हट गई जिस जगह पे वो अटकी हुई थी। ये क्या है, ये क्या है, हाउ, कैसे, गद्दारी कुर्बे, हाउ भाई ये कैसे करा इसने, कैसे भाई, नहीं यार चीटिंग करिए ये आइस वाले के, कैसे इसने हील कर लिया अपने आप को यार। ये एबिलिटी के बारे में तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं था, कैसे यार, नहीं भाई अभी टाइम नहीं है मेरे पास उतना कि मैं इसको मार पाऊंगा भाई। कैसे हो सकता है भाई ये, हाउ, चीटिंग करी है इस बॉस ने, मेरे को बता नहीं भाई, इस बॉस ने चीटिंग करी है भाई, चीटिंग करी है इसने, चमन बहुत चीटिंग करता भाई।
यार इसने हील कर लिया अपने आप को बे। ये एबिलिटी कहीं कितना खुश हो गया था भाई, मैं कितना खुश हो गया था पता है कि हाँ भाई चलो अभी फाइनली मर जाएगी है। अभी भी मार सकता हूँ, 2 मिनट का टाइम है, बट मेरे जेट्रोकॉन्स भाई उतने ज्यादा वो नहीं है मेरे को। लेट्स ट्राई बॉयज, अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ना है गाइस, उम्मीद नहीं छोड़ना है। जेट्रोकॉन तुम बहन की हाँ देश की, आप तुम्हारे जेट्रोकॉन्स मारो ना उसको। इधर आ, मारना जा, मार तू भी मार, मारो यार दूसरे जेट्रोकॉन के टाइम पास के लिए बैठे हैं क्या? 1 मिनट में 70,000 हेल्थ डाउन करने उसकी पॉसिबल है? पॉसिबल से है अगर ये सब मिलके मारे तो 60,000 हेल्थ डाउन करने 1 मिनट के अंदर, 50,000 हेल्थ डाउन करने। यार ये जेट्रोकॉन हमला करे ना तो हो जाएगा भाई, फिर भी ये वापस से उस कोने में जाके अटक गई है। 30,000 29, अबे हिल ना जाइए। 40 सेकंड में 20,000 हेल्थ डाउन करने इसकी, 40 सेकंड में 20,000, 19,000, 18,000, 30 सेकंड में 15,000, 14,000, 12,000, 10,000, 9,000, 8,000, 28 सेकंड बचे, 5,000, come on, 2, 1, 1,000, she's dead, oh my god, oh man, oh भाई, ये boss fight बहुत ज़्यादा बहुत ही ज्यादा ही पिक थी भाई, बहुत ज्यादा ही पिक थी ये बॉस फाइट भाई। आ मैन फाइनली एक स्क्रीनशॉट, अरे यार स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पाया भाई। हाँ लेकिन कोई ना, फाइनली गाइस हरा दिया मैंने उस बॉस को। मेरे काफी सारे जेट्रोकॉन्स मारे गए भाई, तो देखो लाशें देखो मेरे जेट्रोकॉन्स की। हाँ लेकिन फाइनली हरा दिया गाइस। मैं बार बार इस जेट्रोकॉन के आर्मी से इस बॉस को नहीं हरा सकता हूँ ना यार, मैं रेडी नहीं है बॉस फाइट के लिए, बिल्कुल रेडी नहीं है। मतलब भाई जो गंदी मौत मारा है भाई, वो ग्लिच हो गई थी, किस्मत थी हमारी कि वो ग्लिच हो गई और हम लोग जो है गाइस इजीली फिर उसको मार पाए, किस्मत थी भाई। वरना जो है उसको मारना भाई कोई हमारे लिए आसान काम नहीं होता। ये क्या है, वॉट? हाँ यार मुझे लगा था ये जो मैं फाइट ले रहा हूँ, हाँ मुझे एक टी शर्ट मिली अच्छी बात है, मुझे लगा था ये जो मैं अभी फाइट ले रहा हूँ ये दो एंड गेम वाली फाइनल बॉस है, लेकिन नो नहीं ना कोई नहीं गाइज ये तो बस शुरुआत है। लेजेंडरी वाली हमने रेयर वाली मारी, लेजेंडरी वाली बैलेनोर बॉस जो है वो अभी बची हुई है। हाँ भाई इसको मारने में मेरी आर्मी की पैंट बच गई थी, हवा टाइट हो गई भाई मेरी आर्मी की इसको मारने में। और अभी ये गेम वाले बोल रहे ना 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 भाई लेजेंडरी वाली बॉस अभी जिंदा है, तुमने अभी फाइनल बॉस को मारा नहीं है, फाइनल बॉस अभी तक जिंदा है, ऐसे गेम वाले बोल रहे अभी मेरे को। सच में भाई इसको मैं मुश्किल से मार पाया हूँ, इसके पास हीलिंग वाली एबिलिटी थी भाई, एंड पे जाके इस बॉस ने खुद को हील करा भाई, ये हीलिंग वाली एबिलिटी थी। और अभी एक और छिटका मिल गया मेरे को कि ये फाइनल बॉस नहीं थी भाई। ओके ये क्या है, रिव्यूज प्रूव दैट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू ऑब्टेन, स्लाइटली इंक्रीज फायर डिफेंस। हाँ ये क्या चीज़ है, स्टोन फ्रूट कंज्यूमेबल, प्रीशियस प्रूव दैट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू ऑब्टेन एंड स्लाइटली इंक्रीज फायर डिफेंस। ये तो अपना मेन है भाई, मैं इसको खिला दूँ। 1000 है इसका डिफेंस, अभी कितना हो गया डिफेंस, 1100। बक बेस किया, इसको कोई नया मुंह मिला है क्या स्टोन वाला? नहीं, तो फालतू में स्टोन फ्रूट मिला है मेरे को, चूमू बना रहे सारे मिलके।
गाइस इस बॉस से फाइट लेना हमारे लिए भाई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, तो मैं इस बॉस से फाइट लेने के बारे में भी फिलहाल के लिए सोच भी नहीं रहा हूँ। ठीक है, जो लेजेंडरी वाला स्लैब मिला है ना उसको रहने देते। वैसे इस वाले बॉस को हम लोग लग था कि वो ग्लिच हो गई उस कोने में जाके, इसलिए हम लोग उसको हरा पाए। अगर वो कोने में जाके ग्लिच नहीं होती ना तो उसको हरा पाना हमारे लिए आसान नहीं था। गाइस डरे क्या, जिम करे गाइस? रुको, कितना मिनट है? 7 मिनट का टाइम है ना भाई, 7 मिनट टाइम है ना। हम लोग ना देखते हैं कि ये बॉस कितनी पावरफुल है लेजेंडरी वाली। ठीक है, ट्राई करते हैं। ये अंडा संभाल के रखता हूँ, इस अंडे में से जो बॉस निकलेगा उसको अगले एपिसोड में हम लोग भाई आपको दिखाएंगे। रुको मैं ट्राई करता हूँ, लेट्स सी, जरा चल के देख लेते हैं कि कितनी खतरनाक है ये लेजेंडरी वाली बॉस और ये क्या क्या कर सकते हैं। मुझे देखना है। और ये बॉस टर्मिनल कैसे बनेगा उसके लिए सामान लेके चलो साथ में। स्टोन पैलेडन फ्रैगमेंट ना, हाँ ये स्टोन एंड थोड़े से पैलेडन फ्रैगमेंट्स भाई। ठीक है रखो, चलो आ जाओ, आओ। 7 मिनट में हमारे पैल वैसे भी भाई वो हो रहे हैं, रिस्पॉन हो जाएंगे वापस से। उनको खाना शाना मस्त भी खिलाऊंगा मैं, वो खाना वगैरह खिला के आराम से। रुको वहाँ पे उनको मैं खाना खिला देता हूँ ना, डायरेक्टली खाना खिला देता हूँ। रुको अपने अपने हाथों से खाना खिलाता हूँ मैं पहले। यहाँ पे बॉस वाला वो अल्ट्रार बनाने दो मुझे। ठीक है अनुबिस, कम ऑन, लग जा काम पे। चलो अनुबिस वो अल्ट्रार बना रहा है, तब तक मैं इन लोग को खाना खिलाता हूँ। ठीक है, अपनी आर्मी क्या है, बाई लेवल करो। हाँ इनको खाना खिला देता हूँ मैं, ताकि जब रिस्पॉन होना है तो भूखे ना रहे बेचारे, ना भूखे ना रहे जब रिस्पॉन होंगे तब। ऑल राइट, एक मिनट रुक जाओ, मैंने ये भी नोटिस करा है अगर हम लोग इनको नीचे डाल के उठाते हैं तो रिवाइव हो जाएंगे। नहीं होंगे, रिवाइव नहीं होंगे भाई। ठीक है ऑल राइट, ये लो भाई। अरे तुम मरा पड़ा है, रुक जाओ। सारे जेट्रोगोन्स को यहाँ पे मैं खाना खिलाता हूँ पहली बात तो। रिवाइव होने में थोड़ा टाइम लगेगा इनको, बट पहले बेचारों की भूख मिटाई जाए ताकि रिवाइव होने के बाद ये खाने के लिए रोना ना शुरू कर दे। ठीक है चलो खाना सबको खिला देता हूँ। और ये इपिक वाली लेजेंडरी वाली जो बॉस है, ज़रा देखा जाएगा इसकी ये क्या क्या कर सकती है। ठीक है, इनको मैंने खाना खिला दिया था, मुझे लग रहा है इनमें से कुछ को भाई खाना खिला दिया है मैंने पहले से ही। चलो मैं यहाँ पे जल्दी से अभी डन। ओके अभी यार, अभी मैंने किस किस को खाना खिलाया किसको नहीं खिलाया मेरे को कैसे पता चलेगा? पीछे से शुरुआत करता हूँ। रुको ओके, इनको खाना नहीं खिलाया अभी तक। चलो खाना खिलाएंगे मस्त भाई की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन, अभी आगे वालों को देखते हैं। इनका फूड बार नीचे दिखाई देता है, मैं भूल गया था। ओके इसको खाना नहीं खिलाया, इधर आ जा भाई। इसको भी खाना नहीं खिलाया, इसको भी नहीं खिलाया, इसको भी नहीं खिलाया, बराबर। बाकी सारे जेट्रोकोन को खाना खिला दिया है। ठीक है, तो जितने भी हमारे बुक्कड़ जेट्रोकोन्स थे उन सबको हम लोग ने खाना खिला दिया। अभी बस इनके रिवाइव होने का जो है मुझे वेट करना है। इनको रिवाइव होने में ना 4 मिनट का टाइम लगेगा। और ओके बाय लेवल, अभी मैं अपनी आर्मी अपने जो भाई पैल से उनको अपने पास रख लेता हूँ। मेरी पैल उतने ज़्यादा काम नहीं है। और इस बॉस फाइट में ना हम डिस्ट्रॉयड इन सेकेंड हो जाएंगे, ये लिख के ले लेना गाइस। ठीक है, हम टिकने नहीं वाले ज़्यादा टाइम तक ये वाली बॉस फाइट में, इतना मेरे को अच्छे से पता है। मेरा 5 लेवल का जेट्रोकोन कहाँ पे गया? ए भाई मेरा 5 लेवल का ये रहा। ओके और अनुबिस भाई, ठीक है चलो इनके लिए खाना, रुक जाओ, इनके खाने के लिए ना जब स्पॉन होंगे वुड चाहिए मुझे। वुड लाया नहीं भाई मैं, रुको वुड लेके आता हूँ। रुको पहले जाके मैं सो जाता हूँ। ठीक है, 4 मिनट हम लोग को जो है ना गाइस बिताने, 4 मिनट में मैं ये रिवाइव हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग देखते हैं लेजेंडरी वाले बॉस की पावर, कि वो लेजेंडरी वाला जो बॉस है बैलेनॉयर वो क्या चीज़ है और वो क्या क्या कर सकता है। और उसके पास भी मुझे लग रहा है उसके अगर हम आधी वगैरह हेल्थ डाउन करें ना तो उसके पास भी ऐसी एबिलिटी होगी कि वो खुद को जो है गाइस रिजेन कर ले। ठीक है, पक्का सूट का भाई, लिख के ले लो, उसके पास भी एबिलिटी होगी तो खुद को रिजेन कर पाएगा। सो उस एबिलिटी से पता नहीं कैसे बचेंगे हम। अभी तो मुझे फिलहाल के लिए तो भाई वुड चाहिए, मैं वुड लेके जाता हूँ उनको वहाँ पे। बाकी सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए डाल देता हूँ। ठीक है, बाकी चीज़ों को हम यहाँ पे डालते हैं। एंड भाई बस वुड चाहिए मुझे, थोड़ा सा वुड चाहिए ताकि हम लोग वहाँ पे ना हमारे लिए फीडर बना सके हमारे पैल्स के लिए।
1000 नहीं भाई, हाँ बस इतना इतना इनफ रहेगा, ठीक है। चलो आ जाओ, लेट्स गो। हमारे पैल्स के लिए वहाँ पे फीडर लगा देता हूँ मैं। कितना टाइम बचा है? दो मिनट में रिस्पॉन्ड हो रहे, रिस्पॉन्ड नहीं, सॉरी, रिवाइव हो रहे हमारे सारे पैल्स। उन सब के लिए यहाँ पे खाने के लिए एक फीडर लगा देता हूँ। मस्त बेके अनुबिस भाई आ जाओ, काम शुरू कर लो। अनुबिस ने काम कर दिया, ये उनका खाना। ओके, बर्गर नहीं भाई, वही खाएंगे, वेजिटेबल्स। ओके चलो अभी चलता होगा इसमें हमारे घर पे, और घर से मैं थोड़ा और एक्स्ट्रा खाना लेके आता हूँ, क्योंकि ये रिवाइव हो जाएंगे ना तो उनकी हेल्थ बहुत लो होगी। सो इनके हील होने तक जो है मुझे इनको खाना खिलाना पड़ेगा। और देखते अभी लेजेंडरी वाला बॉस भाई दिखने में कितना खतरनाक है और वो क्या क्या कर सकता है। 1000 यार, यहाँ पे तो खाने की पूरी भरमार है भाई। 100 लेके चलता हूँ मैं, ठीक है। बेरीज कुक करने के लिए डाल दिए, ये बना सकता हूँ। कितने बन रहे हैं? 700। ये टोमेटोज क्यों नहीं उग रहे हमारे पास ज़्यादा भाई? टोमेटोज कम पड़ रहे मेरे को, ऊपर क्यों वाटरिंग वगैरह का काम नहीं चल रहा? अच्छा यहाँ पे बीज है, वो वहाँ पे भाई आराम से भाई बैठा हुआ है, ठीक है। मुझे पैल जो है इस वाटरिंग के लिए एक दो और एक्स्ट्रा डालने पड़ेंगे। चलो डाल दूंगा, कोई सीन नहीं है, अभी चलते। आई थिंक से एक मिनट और बचा हुआ होगा, उसके बाद भाई रिवाइव हो जाएंगे हमारे सारे के सारे A to Z पैल्स, ठीक है। बस एक मिनट का टाइम है, चलो मैं जल्दी से। कितना टाइम बचा? हाँ बस 1 मिनट, एक और मिनट, फिर हमारे सारे पैल्स डन डना डन डन रिवाइव भाई। अभी ये नहीं बोलना कि इस लेजेंडरी वाले को मारने के बाद भी कंज्यूमेबल स्लैप ओवर फ्लो विद बैलेंस एनर्जी ऑफर टू समॉर्निंग एट लेट टू समॉर्न। ओके भाई ठीक है, ऑल राइट। ये मुझे लगा मैं खुद कंज्यूम कर सकता हूँ करके, भाई दिखने में काफ़ी खतरनाक लग रहा है वैसे ये स्लैब तो, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे मैं थोड़ा खाना शाना डाल देता हूँ हमारे पैल्स के लिए, क्योंकि जो अभी रिवाइव हो के आएंगे, अच्छा जो रिवाइव हो चुके उनको भाई बाहर निकाल लूँ, जो रिवाइव हो चुके उनको बाहर निकाल लेता हूँ। अरे आ जाता हूँ अंदर भाई, 50 सेकंड में रिवाइव होगा ना। चलो तुम आराम से घूमो भाई लोग, आराम से घूमो, खाना शाना खाना खाना खा लो, क्योंकि अभी तुम्हारे लिए एक और बॉस यहाँ पे स्पॉन होने वाला है। मेरी गोलियाँ कितनी खत्म हुई? 2500 भाई, 5000 गोलियाँ भाई मैं लेके आता हूँ, 2500 गोलियाँ भी उसमें से बची हुई है। 2500 बुलेट जो है जो हमारी यूज़ हो चुकी है इस बॉस फाइट में, ठीक है। अभी लेजेंडरी बॉस का थोड़ा सा लुक देखा जाए कि कितना खतरनाक वाला है। ओ फूड चेकऑल, अरे ये क्या चीज़ है यहाँ पे? यू कैन चूज विस टाइप ऑफ आइटम कैन बी प्लेस इन द चेस्ट। ओके समझ गया मैं, ठीक है ठीक है ठीक है। 13 सेकेंड में, 10 सेकेंड में हमारे सारे के सारे जो पैल्स हैं वो अभी यहाँ पे रिवाइव होने वाले। 10 सेकेंड तक और वेट करना है मुझे, ठीक है। तब तक आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, अगर अभी तक आपने पैल वर्ल्ड की हमारी प्लेलिस्ट नहीं देखी प्लेलिस्ट सेक्शन से, सो उसको चेकआउट कर लेना। वो देखो भाग रहा है वॉन्डरिंग मर्चेंट, उसको भी पता चल गया कि अभी यहाँ पे बॉस आने वाला है करके। इनको रिजेन करना पड़ेगा ना खुद को। ओके इनको अपने आप को रिजेन करना पड़ेगा। मेजर इंजरीज, ओके मेजर इंजरीज तो है भाई, ठीक है, बड़े खुद को रिजेन करेंगे ना अभी भाई। रिजेन कर लो खुद को, इसके रिजेन ही ना कर रहे। इनको रिजेन करने के लिए टाइम लगेगा क्यों? को देखो, देखूँ मैं, रिजेन कर रहे खुद को, खुद को रिजेन तो कर रहे लेकिन काफ़ी स्लोली स्लोली कर रहे हैं, ठीक है। एक काम करता हूँ, इनको रिजेन होने दो, इनको रिजेन होने में 3-4 मिनट और लग जाएंगे। सो जैसे ही रिजेन होते हम लेजेंडरी बॉस से फाइट लेंगे। मुझे इतना पता है गंदी मौत मरने वाले, बट मैं देखना चाहता हूँ कितनी गंदी मौत हम लोग मर सकते हैं, ठीक है। इन लोग को रिजेन करने दो, 3-4 मिनट जो है गाइस इन सारे जिटरबॉन्स को अपनी हेल्थ जो है वो रिकवर करने में लगने वाले यहाँ पे। तब तक आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना भाई लोग। A few moments later. Okay, boys, we are here. And हमारे जो जेट्रोगोन से आप देख सकते हो ऑलमोस्ट उन सबकी हेल्थ जो है गाइस वो यहाँ पे फुल होने को आ चुकी है, ठीक है। और इन लोगों ने खाना बिना कुछ नहीं खाया, बिल्कुल भी नहीं खाया। यहाँ पे जो मैंने इतनी मुश्किल से खाना रखा हुआ था ये भी लाइक हमको खाना ही नहीं है। इसमें से इन लोगों ने एक भी चीज़ अभी तक खाई नहीं है। वैसे भी टूटने वाला है तो मैं खुद ही तोड़ देता हूँ और खुद खा लेता हूँ गाइस ये खाना। और बस अभी 30 सेकेंड्स मोर देन इनकी मैक्स लेवल हो जाए, मैक्स हेल्थ हो जाएगी। हो गई है ना, हो गई, बस थोड़ी सी 1% हेल्थ बची हुई है, 1%, बाकी तो सबकी मैक्स हेल्थ जो है यहाँ पे हो चुकी है। सो वी आर रेडी टू रॉक एंड रोल एंड वी आर रेडी टू डाई। आ जाओ अभी यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ इस बुक को, रेडी हो? मैं बुला रहा हूँ कैसे, अभी मैं पहली बार इस वाले बॉस को देखने वाला हूँ, ठीक है। आ जाओ, कैसी दिखेगी वो? ये तो सेवियर दिख रही है। 9 लाख हेल्थ,
भाई, अबे भाई एक मिनट तो टिकने दो उनको, एक मिनट भाई, एक मिनट टिकने देना भाई। आदिल ने डाउन कर दी 20 सेकंड के अंदर, इसने मेरी चिटर कौन की, मजाक कर रही है भाई। बहन जी, बहन जी क्या मजाक हो रहा है, क्या कर रहे हो बहन जी आप भाई, गए भाई। दो मिनट भी ना टिक पाएंगे, लिख के ले लो भाई, लिख के ले लो, दो मिनट भी ना मरा मैं। जिंदा नहीं छोड़ना इसको, छोड़ना नहीं। अरे तो मरे मरे, खत्म खत्म, मेरी आर्मी मरी एक मिनट में। दो मिनट टिकेंगे, 1-1 एचपी बचे गाइस, आधे तो 1-1 एचपी बचे हुए, एक एक मिनट जिंदा बचेंगे, एक मिनट जिंदा बचेंगे लग रहा है मेरे को। ठीक है, मैंने उसकी बात गई बेस पानी में खत्म। 3 जेट ड्रैगन गए, 4-5 जेट ड्रैगन टिल गए, अभी बस 1 मिनट 20 सेकंड हुए हैं और 5 जेट ड्रैगन मारे जा चुके। ओह शिट, दे आर डेड मैन, दे आर डेड। ओके, नहीं कुछ कुछ बचे हुए थे, कुछ बचे हुए थे। इसकी हेल्थ में डाउन ही नहीं कर पा रहा हूँ यार, जेट्रोकोन में दम नहीं है उतना। कहाँ पे बेस उड़ा रही है, मेरा स्मार्ट है क्या थोड़ी, अबे बेस क्यों उड़ा रही है पागल औरत, इसने बेस पे हमला कर दिया मेरे, बावड़ी बिवड़ी हो गई है क्या गाइस। इसको मारना मुश्किल ही नहीं, नाम भाई खत्म मेरी, अच्छा मेरी आर्मी खत्म हो गई है, बस इतू से जेट्रोकोन बचे है। ओके, ट्राई करता हूँ मारने की मैडम जी को, बट थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है मुझे, ट्राई करना भी मुझे थोड़ा डिफिकल्ट। अरे यार, ठीक है, सब ब्लैक ब्लैक दिखाई देने लग गया मेरे को अभी। ठीक है, मेरे जेट्रोकोन नहीं बचने वाले, और ना ही मैं इसकी हेल्थ डाउन कर सकता हूँ भाई, इम्पॉसिबल है इसकी 9 लाख हेल्थ डाउन कर पाना। पिछली बार हम 20 सेकंड से बचे थे, 20 या 10 सेकंड से बैटल जीते थे। मरा मैं नहीं यार, मेरे पैल्स को मार रही। अच्छा गेम उसका भाई इधर उधर नहीं, मर गया है, फिर भी मर गया मेरा जेट्रोकोन यार, दो जेट्रोकोन मर गए फिर भी भाई। ये आई थिंक से मेरे मैक्स लेवल वाले जेट्रोकोन ही टिके हुए हैं, बट ये भी ज़्यादा डैमेज नहीं दे पा रहे। ओह शिट, ओके ना, ओह मैन, ओके ट्राई करते, कोशिश करने वाली, क्योंकि हार नहीं होती। मैं देख लूँ गाइस कि मैं 10 मिनट में कितनी हेल्थ इस बॉस की डाउन कर पाता हूँ। अबे तू फायर अटैक भी कर रही है, अबे ये कौन सा फायर अटैक है। मरे मेरे जेट्रोकोन, मेरे जेट्रोकोन भाई पहुँच गए भगवान के पास लग रहा है। ओके, मैं आई थिंक से 2 लाख हेल्थ डाउन कर पाऊँ इसकी, इससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं है, कोशिश तो पूरी पूरी चल रही है मेरी। ये जो हमारे मैक्स लेवल के जेट्रोकोन से ना वही टिके हुए हैं, बट इतु से जेट्रोकोन से कुछ नहीं होने वाला। भाई इधर आओ, ट्राई ट्राई बट नेवर ट्राई बॉय, मार तो नहीं सकता बट मुझे एक अंदाजा मिल जाएगा कि मुझे अपनी आर्मी को और कितना स्ट्रांग करना है, समझ रहे हो। अगर मुझे इस फाइनल बॉस को मारना है तो एक अंदाजा मिल जाएगा बस। शॉकवेव है, संभल कर, डेड डेड, अरे यार बच के, डेड है गाइस, डेड है हमारी आर्मी, डेड है। 4 जेट्रोकोन बचे हुए बस, खाली ओनली 4 जेट्रोकोन बचे हुए, और हम लोग ने इसकी 5 मिनट में 1,40,000 एल डाउन करी है। ठीक है, 1,40,000, उससे भी कम, 5 मिनट के अंदर हम बस यही कर पाए। ये मेरे जो डिफेंस वाले तगड़े से भाई जेट्रोकोन से ना, ये काफ़ी काम आ रहा है। अरे ऊपर लेजर छोड़ा भाई इसने, कमॉन फ्रॉस्टेलियन, फ्रॉस्टेलियन से ट्राई मारू अभी, कुछ हो जा मार,
मार दे भाई इसको। नाइस, पीस तो कर रहा भाई है। ओके, पता नहीं कहाँ पे हमला करेगी। ओके, इनका डिफेंस भी इनको बचा नहीं पाएगा, बट 5 मिनट तक तो एटलीस्ट भाई जिंदा रखा है भाई इनके डिफेंस ने। मरे नहीं ये लोग अभी तक, ये मेन भाई चीज है कि मरे नहीं अभी तक भाई। ठीक है, मरे नहीं है। डिवाइन डिजास्टर डालेगा, मुझे काम है डिवाइन डिजास्टर। नहीं यार, मुझे लेजेंडरी वाला रॉकेट लॉन्चर चाहिए होगा गाइस, वरना डिफिकल्ट हो जाएगा इस बॉस को मारना। लेजेंडरी रॉकेट लॉन्चर के बिना मर गए क्या सब? मेरी आर्मी मर गई है। अरे यार ये तो मार ही नहीं पा रहा, मेरी आर्मी डेड है भाई। 3 जेट्रोगोन बचे हुए बस, खाली 3 जेट्रोगोन बचे हुए, वो भी किसी भी वक्त भाई यहाँ पे भगवान के पास पहुंच सकते हैं। और मेरे पास 3 मिनट का टाइम बचा है और मैंने इसकी आधी हेल्थ भी अभी तक डाउन नहीं करी। मुझे नहीं लग रहा है गाइस कि पूरा टाइम खत्म हो जाएगा फिर भी मैं इसकी आधी हेल्थ भी डाउन कर पाऊंगा। 450,000 तक मुझे इसकी हेल्थ लेके आनी है, वो भी शायद से मैं कर नहीं पाऊंगा। खाली गोलियां वेस्ट कर रहा हूँ ऐसा लग रहा है मुझे। मैं भी हमला करूंगा भाई। मेरे इस वाले जेट्रोगोन के ऊपर बैठ के इस बार। ठीक है चलो, वो उन भाई जेट्रोगोन को मारने में बिजी है। अबे भाई मारना, अटैक कर दे। ठीक है अभी हम हमारा गाइस रॉकेट लॉन्चर वाला अटैक देंगे इसके ऊपर डायरेक्टली। ठीक है, एरियल मिसाइल, एरियल मिसाइल से डैमेज पड़ रहा है, ज़्यादा नहीं पड़ रहा, थोड़ा थोड़ा सा डैमेज पड़ रहा है। आखिर के 3 जेट्रोगोन बचे हुए बस खाली। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, सिंपल। उनका डिफेंस काफ़ी तगड़ा है इसलिए कैसे बचे हुए हैं। ओह मैन, मौत के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है भाई। तेरे को भूख लगी है, तू खा ले भाई खाली। मरे मरे, इस बार नहीं बचेंगे मेरे को लग रहा है, इस बार नहीं बचेंगे, इस बार नहीं बचने वाले। खल्लास, एक गया, 2 बचे हुए बस, खाली 2 बचे हुए जेट्रोगोन मेरे गाइस, सिर्फ 2 जेट्रोगोन। बाकी जेट्रोगोन की बैंड जो है गाइस वो बच चुकी है। अरे नहीं यार, टोर्नेडो। ओके ओके नाइस, एक आखिरी जेट्रोगोन बचा हुआ है, उसके बाद हमारा गेम ओवर है भाई। और मैं अभी तक इसकी बस 2 लाख हेल्थ डाउन कर पाया हूँ इतने समय में, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी कम है। ये जेट्रोगोन भी नहीं बच पाएगा मुझे लग रहा है ज़्यादा टाइम तक। वो ट्राई तो कर रहा है जेट्रोगोन गाइस, पूरा 1 मिनट का टाइम बचा हुआ है, मैं आधी हेल्थ भी नहीं डाउन कर पाऊंगा। ये लेजेंडरी वाली बॉस जो है गाइस कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर्ड हो गई गाइस हमारे लिए, सच में यार। डिवाइन डिजास्टर डा, जा भाई मार दे इसको। शॉक वेव, बचके तू रहना रे, बचके तू रहना। अरे डिवाइन डिजास्टर डालना मेरे भाई, मरा मरा। आखिरी वाला जेट्रोगोन जो बचा हुआ था वो भी ढिल गया गाइस, अब एक भी जेट्रोगोन नहीं बचा है मेरे पास। अपना मेन पर्सनल प्राइवेट जेट्रोगोन बचा हुआ है खाली, पूरे पीस के बीच जेट्रोगोन मारे गए गाइस, जो हमारे गाइस यहाँ पे इवॉल्व वाले मैक्स लेवल के जेट्रोगोन थे वो एंड तक टिके रहे, बट एट द एंड उनकी भी बैंड बच गई। ठीक है, 1 मिनट के अंदर मैं लगभग 2,50,000 पकड़ के चलूँ इसकी हेल्थ डाउन कर पा रहा हूँ, वो भी नहीं 2,20,000, 9 लाख में से मुश्किल है भाई। मैं अगर जेट्रोगोन की मैक्स लेवल की आर्मी भी बना लेता हूँ ना गाइज, तो भी हमारे लिए इस बॉस को हराना काफ़ी डिफिकल्ट होगा। पता है क्यों? क्योंकि एंड में जाके ये बॉस खुद को रिजेन करेगी, हेल्थ रिजेन करेगी, तो टाइम लिमिट जो है ना गाइज वो कम पड़ जाएगा हमको। ना 12 सेकेंड बिठा लेना, 5 सेकेंड, 0 एंड बॉस फाइट इज फेल, टाइम आउट एंड यस बॉस फाइट फेल हो गई है, टाइम आउट हो चुका है। यार ठीक है,
ये बॉस बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड है, लाश ये देखो हर तरफ। ये गाइस बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड बॉस है, इसको मैं नहीं मार पाऊंगा अगर मैक्स लेवल के मेरे जेट्रोगोन भी हो गए तो भी। मुझे गाइस लेजेंडरी रॉकेट लॉन्चर चाहिए होगा। हम लोग आने वाले एपिसोड में जो है ना लेजेंडरी रॉकेट लॉन्चर जो है गाइस वो हासिल करने की कोशिश करेंगे गाइस पूरी। उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं जेट्रोगोन लेजेंडरी रॉकेट लॉन्चर, मैं आपको बता दूँ जेट्रोगोन जो बॉस होता है उसको मारने से हमको लेजेंडरी रॉकेट लॉन्चर मिलता है। बट अफसोस हम लोग ने अभी जितने बार भी इसको मारा है मुझे एक भी बार अभी तक लेजेंडरी रॉकेट लॉन्चर मिला नहीं है। ठीक है, नहीं मिला एक भी बार लेजेंडरी रॉकेट लॉन्चर जो है गाइस उसका ब्लूप्रिंट नहीं मिला है। तो मैं एक बार चेक कर लूँ, शॉटगन आर्मर राइफल क्रॉसबो आर्मर हेयर बैंड, ठीक है नहीं, रॉकेट लॉन्चर जो है गाइस उसका मुझे अभी तक भाई ब्लूप्रिंट नहीं मिला है। और ये बॉस जो गाइस एंड गेम वाला लेजेंडरी बॉस है जो फाइनल बॉस होगा अभी के लिए तो फिलहाल के लिए, उसको मारना अपने औकात के बाहर की चीज़ होने वाली है। देखता हूँ फिर भी, मुझे जो है ना गाइस अभी मैं अगले एपिसोड में पहले वो बैलन और जो बॉस है रेयर वाला उसका अंडा हैच करूंगा, उसकी पावर देखता हूँ कैसी है। अगर उसकी पावर ठीक ठाक है, वो बढ़िया सा डैमेज दे रही है और वो अगर हमारे जेट्रोगोन्स को रिप्लेस कर पा रही है तो मैं उसको यूज़ करूंगा बॉस फाइट के लिए जेट्रोगोन की जगह पे। देखते हैं अगले एपिसोड में पता चलेगा उसका अंडा जब हैच करेंगे तो वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है। बाकी मैं थोड़ा सा भी दुखी तो हूँ क्योंकि ये जो लेजेंडरी वाला बॉस मैंने देखा है ना उसके बाद मुझे थोड़ा डीमोटिवेट हो गया हूँ भाई मैं देख के कि इतने खतरनाक बॉस को कैसे मारूंगा मैं, समझ नहीं आ रहा है मेरे को। लेट्स सी आने वाले एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। बाकी अभी के लिए आज का ये वाला पैल वर्ल्ड का एपिसोड ये भी खत्म होता है, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। जाते जाते इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जो ना गाइस सब्सक्राइब जरूर से कर देना मेरे दोस्तों। एंड अगर आपने हमारी पैल वर्ल्ड की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो उसको भी जरूर चेकआउट कर लेना। एक अच्छी बात है कि हम लोग ने रेयर वाले गाइस उस बॉस को मार दिया है, तो इस बात के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब बनता है। बाकी मिलते जाते आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। एंड गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय, गुड बाय मेरे भाई लोग, मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय गाइस। But it's too late now, I remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up, we were okay.